अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। इस प्रिपरेशन में आप लोग साथ साथ रहें तो उम्मीद करता हूँ जैसे ही हमारे सिलेबस कवर होगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। जैसे कल मैंने लेक्चर दिया था 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ाए थे, आज मैंने शुरू करना है 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 अप टू सोन क्वेश्चन नंबर 8 तक। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये पूछ रहा है कि बताएं एक क्लॉक में जब 4 बज रहे होते हैं तो आपकी जो नीडल्स हैं उनके दरमियान एंगल कितना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्लॉक है, ठीक है, इस क्लॉक के अंदर आपके 12 डिजिट है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक बड़ी नीडल है और एक छोटी नीडल। मुझसे उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन में कि बताएं इनके दरमियान एंगल कितना होगा। ये एंगल है इतना इतना इतना, इस सारे मिला के कितना बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैंने इसके जो छोटे छोटे टुकड़े किए इनको काउंट करता हूँ ना, ये टुकड़े भी 12 ही बनते हैं। 360 डिग्री को अगर मैं 12 पे डिवाइड कर दूं, एक टुकड़े का एंगल आ जाएगा मेरे पास। देखें टोटल आपके पास कितने आर्स हैं या नंबर है, टोटल आर्स इन क्लॉक, तो वो क्या आएगा आपके पास, टोटल 12 आपके पास घंटे बनते हैं एक घड़ी के अंदर। आपने एंगल निकालना है 4 बजे का, कैसे फाइंड करेंगे। देखें एंगल एट 4 o'clock हमने ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का इजी वे ये है, बजाय और मजीद करने के, कि मैं 360 को जो टोटल एंगल है उसको मल्टीप्लाई कराऊं जिसका मैंने फाइंड करना है। मैंने निकालना है 1 2 3 4, 4 बजे का एंगल निकालना है और टोटल कितने घंटे घड़ी के अंदर, 12। आसान तरीका, जब भी किसी में से कुछ वैल्यू निकालनी हो ना तो हम उस ऑब्टेन्ड वैल्यू को टोटल से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई पे करवाते हैं जिस चीज में हमने उसे कन्वर्ट करना हो। परसेंटेज में करना हो तो 100 से, 12 हमने एंगल में करना है तो 360 से। देखें 4 बज रहे हैं, 4 पार्ट्स डिवाइड बाय 12, टोटल 12 पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 1 12 3 30 34 ये आ जाएगा 120 डिग्री। अगर आपकी बुक में उन्होंने कहा रेडियन में आंसर दिया हुआ है, आंसर जो गिवन है बैक साइड पर, तो आप इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दें। कैसे करना है आपको पता है, कल के लेक्चर में हमने पढ़ाया है कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है। 120 डिग्री कन्वर्ट करना है तो 120 बोथ साइड में मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 120 डिग्री और ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 का आंसर आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल। इसके अलावा 360 डिवाइड करें, 6 2 12, 6 3 18, आपके पास आंसर आ गया है 2 pi/3, ठीक है, ये आपका आंसर है 120 डिग्री का। अगर आपको बैक साइड पे रेडियन में भी दिया हो तो आप लिख लेना 2 pi/3 रेडियन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, जैसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना एक ही मेथड से होगा। एक में हमें लेंथ फाइंड करनी होगी, एक में रेडियस और तीसरे वाले में थीटा। अगर लेंथ दी हुई है तो लेंथ फाइंड करनी है तो रेडियस दिया होगा, फॉर एग्जांपल 1.5, थीटा भी दिया होगा, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1 रेडियन। आपकी बुक में इस तरह की एग्जांपल दी भी हुई है तो आप ले सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आर फाइंड करना होगा तो एल दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 2.5 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेडियन, ठीक है। हम आगे देखें तो तीसरे क्वेश्चन में भी थीटा फाइंड करना होगा, बाकी चीज़ें दी होंगी। खैर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इधर एक ही फार्मूला लगेगा तीनों क्वेश्चन में, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो फार्मूला आपके पास जो है मैं आपको बताता हूँ, और इसी फार्मूले से आपने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और थीटा आपको जो दिया होगा वो रेडियन में लाजमी दिया हो, और अगर डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। चले कंटिन्यू करते हैं। आपके पास L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है, और
इसी फार्मूले से आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी सॉल्व हो जाएंगे, इजी मेथड। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं और तीनों क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कर लोगे, इस तरह का मैं आपको करवा दूंगा। और इसके दो दो पार्ट्स हैं, वो भी आप लोग खुद ट्राई कर लेना। अच्छा, एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला आपके पास, लेंथ हमने फाइंड करनी है और आर की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, और थीटा क्योंकि रेडियन में ही लेना है तो वो 1 रेडियन हमने ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में लेंथ में भी, रेडियस में भी लिख दिया और लेंथ में भी, जो यूनिट होगा सेम यूनिट आपने लिख देना। ये क्वेश्चन सॉल्व, 1.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपके पास सेम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इसके दोनों पार्ट्स कर लेंगे। 5 की बात करते हैं तो इसमें भी सेम फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा ही लगेगा आपके पास, ठीक है, और सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, आर को इधर लेने दें, थीटा को एल के साथ डिवाइड कर दें और आपका आंसर आ जाएगा इसके ज़रिए। आगे आप वैल्यू पुट करा दें, लेंथ की वैल्यू 2.5 है और थीटा की वैल्यू जो है आपके पास वो 2 रेडियन है, और सॉल्व कर लोगे इसका आंसर तकरीबन आपके पास आ जाएगा 1.25 के करीब आ जाएगा। अच्छा, और या फिर 1.251 के इसके नज़दीक। अच्छा, आगे चलते हैं, अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो जाहिर बात है लेंथ दी होगी और रेडियस आप इसी फार्मूले के ज़रिए कर सकते हो। थीटा को इधर रहने दो और लेंथ के साथ रेडियस को डिवाइड कर दो, इस फार्मूले के ज़रिए आप क्वेश्चन नंबर 6 भी अटैम्प्ट कर लोगे ईजिली। अच्छा, अब आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो दो पार्ट्स हैं, 5 के और 6 के, इन सब के क्वेश्चन के दो दो पार्ट्स हैं आपने कंप्लीट करके लाने हैं, ठीक है। जो मसला होगा वो आपने शेयर करना है, इंशाल्लाह मैं वो भी सॉल्व करवा दूँगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ये आपको मैं बता दूँ, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्ल्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेकिन पढ़ना आना हो तो फिर आप इजीली कर लोगे। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना एक सर्कल है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और वो एक आर्क खींच रहा है जिसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है, लेकिन उस सेक्टर के अंदर यानी कि उस सर्कल के अंदर जो रेडियस एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री है। मैं बनाकर दिखाता हूँ, ये सर्कल है, ये आपके पास रेडियस है, ये एक आर्क खींच रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ मैंने बतानी है कितनी लेंथ है, और जो आपके पास सर्कल है उसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है और एंगल इनके दरमियान वो आपके पास 45 डिग्री है। अब सॉल्व करते हैं, इजी है, देखें तीन चीज़ें वही दी हुई हैं, एल आर थीटा उसी से सॉल्व होना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा से 45 डिग्री को बस आपने कन्वर्ट कर लेना है रेडियन, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करें, मैं भी करता हूँ, ना समझ आए तो देख लीजिएगा। अच्छा, लेंथ दी हुई है आपको, नहीं दी हुई, थीटा दिया हुआ है, जी हाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें वैल्यू रेडियन के अंदर चाहिए थीटा की सॉल्व करने के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है। मैं दोनों तरफ 45 डिग्री से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ डायरेक्ट, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। जब आप इसको सॉल्व करोगे 45 डिग्री के को कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो कटिंग करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 45 × 45 और 45 × 180, 5/480 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, अब हमें लेंथ जो है ना वो फाइंड करनी है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है और थीटा भी हमारे पास आंसर आ गया है, कितना आया है रेडियन में, 5/4 रेडियन। आगे कंटिन्यू करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेंथ हमने फाइंड करनी है, आर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 5/4 रेडियन। नेक्स्ट आप कटिंग कर लो या डिवाइड कर दो, हमने इसमें पाई की वैल्यू भी पुट करवानी है, 3.1416 राउंड पार्ट होती है, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, और टोटल सॉल्व करने के बाद जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तकरीबन आपका आंसर आएगा 10.99, और यूनिट हमने वही लगाना है जो रेडियस का होगा क्योंकि लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ भी आएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से आना था इसका आंसर, होप्स हो कि आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इजी था, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने करना है, उसमें भी वो यही कह रहा है कि उसमें बेसिकली रेडियस फाइंड करना है, लेंथ गिवन है और थीटा 1 रेडियन दिया हुआ है, यानी कि थीटा पहले से ही रेडियन में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ईजिली आपके पास वही आंसर आ जाएगा रेडियस का भी और लेंथ का भी, यानी कि रेडियस अगर 2.5 है तो लेंथ का भी आंसर 2.5 ही आ जाएगा क्योंकि थीटा 1 है। वैल्यू पुट करके देखना, सॉल्व करना इस मामले में, आप इजीली कर लोगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, इंशाल्लाह
इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी मैं सॉल्व आपको करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।